नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों पर बरसेगा छप्पर फाड़ पैसा, महंगाई भत्ते में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। कर्मचारियों की सैलरी में 1,170 रुपये का तकड़ा फायदा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के साथ कौन कौन से बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई 2024 में एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ने जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में फिर से तकड़ा इजाफा होगा। दोस्तों, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। जून 2024 के AICPI इंडेक्स के नंबर जारी हो चुके हैं, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों पर छप्पड़ फाड़ पैसे की बारिश होना तय है। जुलाई से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान सरकार सितंबर या फिर अक्टूबर में करेगी। 3% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 1,170 रुपये का फायदा होने जा रहा है। हालांकि ये फायदा ग्रेड पे और सैलरी के हिसाब से अलग अलग होता है। केंद्रीय कर्मचारी जुलाई 2024 में होने वाले बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ में वेतन आयोग के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में तकड़ा इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारी जुलाई 2024 से अपने महंगाई भत्ते में तकड़े इजाफे की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत पीरियोडिक रिवीजन का हिस्सा है, जिसका मकसद मुद्रास्फीति के साथ तालमेल रखने के लिए सैलरी एडजस्टमेंट करना है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में जो 3% की बढ़ोतरी होगी, उससे केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। 3% महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कुल डीए 53% पर पहुंच जाएगा। अब अगर ग्रेड पे 1800 से 2800 के लेवल 1 से 5 के बीच में देखें तो पे बैंड 1 पे 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये पर कर्मचारी की सैलरी 31,500 रुपये है, तो 53% के हिसाब से कुल महंगाई भत्ते में 1,170 रुपये का इजाफा होगा। फिलहाल 50% पर 6 महीने के आधार पर उन्हें 94,500 रुपये मिल रहे हैं। आपको बता दें कि 6 महीने में रिवाइज किया जाता है। मौजूदा महंगाई भत्ते से अंतर की बात की जाए तो सैलरी में 995 रुपये महीना बढ़ेगा और 6 महीने में कुल 5,607 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 31,500 रुपये हुई तो मौजूदा महंगाई भत्ते से पर महीने हुआ 50% महंगाई भत्ते से 15,750 रुपये हर महीने हुए। 6 महीने के लिए महंगाई भत्ता 50% के हिसाब से हुआ 94,500 रुपये। नया महंगाई भत्ता जो 53% होगा, उसके हिसाब से प्रत्येक महीने पे रुपये मिलेंगे 16,695 रुपये और 6 महीने के हिसाब से 16,695 रुपये को अगर 6 से गुना करते तो 1,170 रुपये हुए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।